Tujhar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is common peroneal nerve. आज हम पढ़ने वाले कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में। हम जानते हैं वी नो दैट कि कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है किसकी ब्रांच है, ये सीएटिक नर्व की। दो नर्व होती थी ना, कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल नर्व, ये दोनों मिलकर क्या बनाती थी, सीएटिक नर्व बनाती थी। तो हमने क्या कहा कि ये ब्रांच होती है तो किसकी, सीएटिक नर्व की, स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ सीएटिक नर्व। इसकी रूट वैल्यू की यदि बात करें, बेसिक पढ़ रहे पहले हम, इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4 L5 S1 S2 से ये बनती है। तो रूट वैल्यू क्या होगी, L4 L5 S1 S2 का क्या, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई का भी क्या, डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4 L5 S1 S2 ठीक है, उससे ये बनती है। अब बात करें कॉमन पेरोनियल नर्व, ये भी क्या, दो डिवीजन हो जाते हैं इसके, एक तो होगा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, एक होगा डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। अब बात करते हैं ये सप्लाई कहाँ करती है, ये सप्लाई करती है लेग के जो कंपार्टमेंट है एंटीरियर और लेटरल, वहां सप्लाई करती है। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करेगी और लेटरल कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करेगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व और लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल है जिनको ये सप्लाई करती है, तो पांच मसल आती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। इसकी ट्रिक भी हम, ट्रिक क्या थी, ट्रिक को थोड़ा पहले तो मसल का नाम देखो, टीबियल इस एंटीरियर था, एक एक्सटेंसर एलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक था पेरोनियस टर्क्सियस। ये क्या पांच है, तीन तो एक्सटेंसर है, कौन कौन सी, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंशन करेगी डिजिट्स को जाती है तो डिजिटोरम लॉन्ग है इसलिए लॉन्गस, अब जो छोटी होगी उसे बोल देंगे ब्रेविस, तो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, जो ग्रेट टॉप हो जाती है उसे बोल दिया हेलोसिस, तो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, ये तीन नाम तो ऐसे याद रखो, ठीक है। अब एक है टीबियल एंटीरियर, एक है पेरोनियस टर्सियस, ठीक है, पांच है। इन पांचों की पांचों एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल है जिनको सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। अब आ जाइए लेटरल कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल आती है जिनको कौन सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, उसमें आती है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस टर्सियस, ठीक है, उनको सप्लाई करेगी कौन, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये बात हो गई इसकी, एक क्या है इसका डायग्राम बनाएंगे और इसके क्या बेसिक्स फिर लिखेंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं डायग्राम क्या है फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे, डायग्राम से क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है, ये है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। अब इससे एक ब्रांच तो निकल गई ये और इससे एक ब्रांच निकल गई ये, ठीक है, ये थी कॉमन पेरोनियल नर्व, मैं लिख रहा हूं ये है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, और ये क्या है सुपरफिशियल, ये क्या है डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है, ये डिवाइड हो गई ना दो में, ये तो है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, इधर क्या आ जाएगी डीप पेरोनियल नर्व, इधर वाली डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व या डीप पेरोनियल नर्व, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल जो नर्व है ये कहां पे, ये कंडी, ये क्या पॉपिटल कोसम है, ये देखो ये यहां से ये ठीक है, ये क्या है ऊपर वाला पॉपलिटल फोसा, ठीक है, उससे नीचे क्या आएगा, उससे नीचे आएगा लेग और फिर फुट, ये लेग है और नीचे क्या है फुट है, नीचे आएगा फुट,
यहाँ पे हम बात करें कॉमन पैरों के अंदर, ये दे दिए चार ब्रांचेस की, सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, लेटरल सूरल नर्व, ठीक है, एक है जेनिकुलर ब्रांच और एक है सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट के लिए ब्रांच, चार के लिए ब्रांच दे रही है। सो एक तो सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, लेटरल सूरल नर्व, जेनिकुलर ब्रांच और एक ब्रांच किसके लिए, सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट के लिए। मैं लिख रहा हूं पहले सीरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, देखो ये रही, ये हो गई सीरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ठीक है, एक हमने क्या बताई, एक बताई लेटरल सीरल नर्व, वो ये रही, वो यहीं पे देखो यहां से निकल गई, ये क्या है लेटरल सीरल नर्व, ये वाला लेटरल सीरल नर्व, ये हो गए। इसके अलावा दो ब्रांच हो रहे हैं, एक तो निकलती है जेनिकुलर आ गया, मतलब पॉपलिटल फोसा में, ठीक है, पॉपलिटल फोसा से संबंधित हो गए, यहां पे निकलेंगी, यहां पे ये हो गई कौन सी, ये है जेनिकुलर ब्रांच, ये है जेनिकुलर ब्रांच, इसके बाद ये एक ब्रांच और है सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट के लिए, वो ये हो गए, देखो ये कौन सी है सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट के लिए ब्रांच है, ब्रांच टू सुपीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, तो हो गए ना चार, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये हो गई है फोर्थ, ठीक है, ये थी कॉमन पैरोनियल नर्व की बात। अब इससे आगे ये दो डिवीजन हो गए, इसके दो ब्रांच हो गए, इसकी क्या है दो ब्रांच बट गई, सुपरफिशियल पैरोनियल नर्व और डीप पैरोनियल नर्व, अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लें सुपरफिशियल पैरोनियल नर्व की, ये लेग में दो मसल को सप्लाई करेगी, कौन कौन सी, वो मसल किस कंपार्टमेंट की होंगी, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की होंगी, और कौन कौन सी होंगी, पैरोनियस लॉन्गस और पैरोनियस ब्रेविस, एक तो होगी यहां पे ये रे, एक तो होगी ये पैरोनियस लॉन्गस, ठीक है, ये तो है पैरोनियस लॉन्गस और एक हो जाएगी यहां पे ये पैरोनियस ब्रेविस, पैरोनियस लॉन्गस, पैरोनियस ब्रेविस, ठीक है, एक तो हो गई ये ब्रांच और एक हो गई ये पैरोनियस लॉन्गस, पैरोनियस ब्रेविस को कौन सप्लाई करती है, ये सुपरफिशियल पैरोनियल नर्व, लेटरल कंपार्टमेंट की मसल, एक इससे निकलती है क्या, क्यूटेनियस ब्रांच निकलती है इससे, एक तो यहां पे लिख लेगी यहीं पे, ये क्यूटेनियस ब्रांच ये, ठीक है, ये सप्लाई करेगी स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग, ये किसे सप्लाई करेगी ये ब्रांच, ये कौन सी ब्रांच है क्यूटेनियस ब्रांच, ये सप्लाई करेगी स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग, लेटरल साइड जो होती है लेग की उसे ये क्यूटेनियस ब्रांच है उसको सप्लाई करेगी ये, ठीक है, और भी क्यूटेनियस ब्रांच होती है इसकी नीचे, वो किसे सप्लाई करेगी, वो करेगी स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट को, ये जो है ये भी क्या क्यूटेनियस ब्रांच है, ये किसे सप्लाई करेगी, सप्लाई करेंगे स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, स्किन
ऑफ डोर्सम ऑफ फुट, डोर्सम ऑफ फुट, ठीक है। तो क्यूटेनियस ब्रांच में लिख देता हूं, ये क्यूटेनियस ब्रांच, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। और ये तो सप्लाई कर रही है किसको, स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ फुट को, और ये सप्लाई कर रही है कहां, स्किन ऑफ लेटर साइड ऑफ लेग को। ये क्या क्यूटेनियस ब्रांच है, समझ गए। अब आ जाइए डीप पेरोनियल नर्व पे। डीप पेरोनियल नर्व पे यदि हम आएंगे तो ये करेगी पांच मसल है किसकी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की वहां सप्लाई करेगी, जिनमें से देखो चार तो ये रही, चार तो इधर है, इधर की साइड, ठीक है। देखो कौन कौन सी है, एक तो ये रही, देखो देखो ये चार, चार ब्रांच है, इनमें एक है फर्स्ट वाली टीबियल इज एंटीरियर, टीबियल इज एंटीरियर मसल को सप्लाई करेगी, ये वाली सेकंड वाली करेगी एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस को, एक्सटेंसर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस को, ठीक है। और ये वाली करेगी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को, एक्सटेंसर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को, ये मस्कुलर ब्रांच है, ठीक है। और ये करेगी पेरोनियस टर्सियस, पेरोनियस टर्सियस को, ये चार मस्कुलर ब्रांच है जो निकली डीप पेरोनियल नर्व से, जो सप्लाई कर रही है किसको, टीबियल इज एंटीरियर को, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस को, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को और पेरोनियस टर्सियस को, ठीक है। तो ये बात होगी कहां की, लेग की, ये तो थी लेग की बात। अब यहां पे इससे एक निकलेगी क्यूटेनियस ब्रांच, क्या निकलेगी, सॉरी क्यूटेनियस ब्रांच ये रही, ये है इसकी क्यूटेनियस ब्रांच, ये वाली, ये तो होगी इसकी क्यूटेनियस ब्रांच, और एक यहीं से निकलेगी, देख यहां से ऐसे, ये करेगी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई, एक्सटेंसर डोर्सम ऑफ फुट में किसको सप्लाई कर रही है, एक्सटेंसर मस्कुलर ब्रांच, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को, ठीक है। ये किसी आर्टिकुलर ब्रांच निकलती है जो सप्लाई करेगी एंकल जॉइंट को, यहां पे ये ब्रांच, ये ब्रांच है ये सप्लाई करती है, क्या आर्टिकुलर ब्रांच है, पहले क्रम इसको आर्टिकुलर ब्रांच है, ये वाली, ये है आर्टिकुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच है ये, और सप्लाई किसे करेगी, एंकल जॉइंट को, एंकल जॉइंट, ठीक है, एंकल जॉइंट को सप्लाई करेगी आर्टिकुलर ब्रांच, ये थी मस्कुलर ब्रांच, ये भी मस्कुलर ब्रांच, और नीचे क्या है, क्यूटेनियस ब्रांच होती है जो सप्लाई करती है स्किन ऑफ एडजेसेंट फर्स्ट और सेकंड टॉप, फर्स्ट और सेकंड टॉप से जो स्किन एडजेसेंट है उसको, ठीक है, ये है ये सप्लाई करेगी स्किन, स्किन ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट फर्स्ट एंड सेकंड टॉप, फर्स्ट और सेकंड एडजेसेंट फर्स्ट और सेकंड टॉप की स्किन को, फर्स्ट एंड सेकंड टॉप। तो ये हो गया इसका कॉमन पेरोनियल जो नर्व है उसका पूरा ओवरव्यू है इस डायग्राम में, ये पूरा ओवरव्यू है, देख लो कहां कौन सी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, डीप पेरोनियल नर्व की मस्कुलर ब्रांच किसे कर रही है, ये क्या है, ये मस्कुलर ब्रांच है, देखो ये वाली, ये वाली क्या मस्कुलर ब्रांच, में लिख देता हूं यहां पर, ये है मस्कुलर ब्रांचेज, ठीक है, ये है मस्कुलर ब्रांचेज, ये मस्कुलर ब्रांचेज इनको सप्लाई कर रही है टीबियल इज एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्सियस को, और एक डोर्सम ऑफ फुट में करती है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को, आर्टिकुलर ब्रांच सप्लाई कर रही है एंकल जॉइंट को, और ये स्किन ऑफ, ये क्या क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई कर रही है स्किन ऑफ एडजेसेंट फर्स्ट और सेकंड टॉप को,
इसी प्रकार ही हो गए, ये डायग्राम देख लो पूरा, ठीक है। हाँ तो अब हमने जो जो कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में मेन पॉइंट बताए, जो भी है वो हम क्या है लिखा रहे हैं थोड़ी थोड़े थोड़े मेन पॉइंट, ठीक है। ये डायग्राम बना लो आप पूरा, ठीक है। मैं इसे फिनिश कर रहा हूं डायग्राम को, ये पूरा डायग्राम फिनिश कर रहा हूं। डायग्राम बनाना एनाटॉमी में बहुत जरूरी है। एनाटॉमी में यदि तुम डायग्राम और लेबलिंग अच्छे से करोगे ना, तो जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है ना कॉलेज में, उसमें अच्छे मार्क्स तुम गेन कर सकते हो। और डायग्राम से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं यार। अब हम बात करते हैं इसके मेन मेन पॉइंट की, हमें क्या क्या कहा कॉमन पेरोनियल नर्व के। सबसे पहली बात इसकी, क्या ये स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांचेस, सबसे पहली बात मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट, ये क्या है स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच, स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ सीएटिक नर्व, सीएटिक नर्व की तो ब्रांच है ये बोला था हमने, ठीक है। बनती कैसे है, ठीक, रूट वैल्यू की यदि बात करें तो क्या है इसकी रूट वैल्यू, ये बनती है डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, L5, S1, S2, ये है इसकी रूट वैल्यू। इसमें S3 नहीं आता, टीबीएल नर्व में S3 भी आता था, ठीक है। अब ये सप्लाई कहां करती है, सबसे पहले इसके दो और कॉमन पेरोनियल नर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉमन पेरोनियल नर्व, इसके दो डिवीजन होते हैं, एक इसके क्या दो डिवीजन होते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व, इसके दो डिवीजन, एक सुपरफिशियल और एक डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। एक तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व शॉर्ट में लिख दे, और डीप पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल किसे सप्लाई कर रही है, ये सप्लाई करती है सप्लाई टू, कौन से कंपार्टमेंट को करेगी सुपरफिशियल, ये करेगी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, और ये करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये किसे करेगी सप्लाई टू एंटीरियर कंपार्टमेंट में शॉर्ट लिख रहा हूं ऑफ लेग, ठीक है। अब देखते हैं मसल कौन कौन सी आती है, लेटर कंपार्टमेंट की कौन कौन सी मसल है, इसकी दो मसल है जिनको ये सप्लाई करती है, एक तो पेरोनियस लॉन्गस और एक है पेरोनियस ब्रेविस, इन दो मसल को सप्लाई करती है कौन, ये करती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व करती है पेरोनियस लॉन्गस को पेरोनियस ब्रेविस को। डीप पेरोनियल नर्व करेगी किस, कौन कौन सी मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट की, देखो टीबियलिस एंटीरियर, ठीक। एक करेगी क्या पेरोनियस टर्सियस, और तीन होती है कौन सी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक होती है एक्सटेंसर एलुसिस
लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंशन हेलुसिस लॉन्गस, ये तीन मसल है, तीन तो एक्सटेंशन है और दो ये टीबियल इज एंटीरियर पेरोनियल टर्सियस, इन पांच मसल को सप्लाई कर रही है डीप पेरोनियल नर्व। इतना समझ गए, ये तो थी थ्योरी। अब हम देखते हैं डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व के बारे में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की, कोई सी भी ले लो, सुपरफिशियल ले लो या डीप ले लो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। ये बिगिन कहां से करती है, बिगिन करती है लेटरल साइड, बिगिन ऑन लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ फिबुला, ठीक है, एक तो ये याद रखो इसका, बिगिन ऑन लेटरल साइड ऑफ लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ फिबुला, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ फिबुला, फिबुला जो होती है, फिबुला जो बोन है उसकी लेटरल साइड से, फिबुला की नेक की लेटरल साइड से क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये सप्लाई कहां कहां कर रही थी, सप्लाई देख लो इसकी, सप्लाई कहां कहां कर रही थी, सप्लाई कर रही थी इसकी मस्कुलर ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच इसकी कौन कौन सी ब्रांच है, देखो मस्कुलर ब्रांच, सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच किसे करेगी, मसल्स को करेगी, मस्कुलर ब्रांचेज, ये करेगी किसको, शॉर्ट में लिख रहा हूं पेरोनियस लॉन्गस को, और पेरोनियस, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ग्रेविस अभी तो पढ़ा, पीएल मतलब पेरोनियस लॉन्गस और पीवी मतलब पेरोनियस ग्रेविस को सप्लाई करती है मस्कुलर ब्रांच, नंबर दो। इसके बाद आती है इसकी क्यूटेनियस ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच किसे सप्लाई करेगी, डायग्राम में सब बताया हमने, ये सारा कुछ बताया है कि क्यूटेनियस ब्रांच किसे सप्लाई करती है, मस्कुलर ब्रांच किसे सप्लाई करती है, क्यूटेनियस ब्रांच किसे सप्लाई करती थी, एक तो करती थी लेटरल साइड ऑफ लेग को और एक करती थी डॉर्सम ऑफ फुट को, ठीक, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ नेक, सॉरी लेटरल साइड ऑफ लेग, लेटरल साइड ऑफ लेग एंड स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, डॉर्सम ऑफ फुट को क्या करती है, सप्लाई करती है, ये जो है क्यूटेनियस ब्रांच, ये कर रही है लेटरल साइड ऑफ लेग की स्किन को और डॉर्सम ऑफ फुट की स्किन को। अब आ जाइए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे बात करें कम्युनिकेटिंग ब्रांच, कम्युनिकेटिंग ब्रांच, कम्युनिकेटिंग ब्रांच की यदि बात करें, कम्युनिकेटिंग ब्रांच क्या है, जो मीडियल ब्रांच थी लेटरल ब्रांच थी, मीडियल ब्रांच तो कम्युनिकेट करती है सेफेनस से और डीप पेरोनियल नर्व से, इसी की सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की मीडियल जो ब्रांच है, मीडियल ब्रांच कम्युनिकेट करेगी किससे, कम्युनिकेट विद एक तो सेफेनस से और एक क्या करेगी डीप पेरोनियल नर्व से, ठीक है, सेफेनस नर्व से, सेफेनस एंड डीप पेरोनियल नर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं डीप पेरोनियल नर्व से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेटरल ब्रांच, वो करेगी स्यूरल नर्व से, एंड जो लेटरल ब्रांच है लेटरल, लेटरल ब्रांच ये किससे करेगी, ये करेगी विद स्यूरल नर्व, विद स्यूरल नर्व, स्यूरल नर्व के साथ क्या करती है कम्युनिकेट करती है लेटरल ब्रांच, मीडियम किसके साथ करती है सेफेनस के साथ और डीप पेरोनियल नर्व के साथ, ये हो गया किसके बारे में, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं डीप पेरोनियल नर्व के बारे में, ठीक है, ये आया समझ, ये फिनिश कर रहा हूं मैं। अब हम बात करें डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व भी बिगिन कहां से करेगी, और लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ फिबुला से, दोनों एक ही जगह से बिगिन कर रही है, बिगिन ऑफ लेटरल साइड
ऑफ नेक ऑफ फिबुला, नेक ऑफ फिबुला, ठीक है। फिबुला की नेक की लेटर साइड से ने क्या कर दिया, बिगिन कर दिया, फिर एंटर करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, पियर्स करते हुए किसको, एंटीरियर इंटर मस्कुलर सेप्टम को। इसके बाद में ये क्या कर रही है, इंटर कर रही है, इंटर करेगी, इंटर कहां इंटर कर रही है, इंटर इनटू एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, कैसे, बाई पियर्सिंग किसको पियर्स कर रही है, ये कर रही है एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, बाय पियर्सिंग एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, इंटरमस्कुलर सेप्टम को, इसको क्या करे, पियर्स कर दो, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में पहुंच जाएगी। उसके बाद में ये एंड कहां करेगी, ये एंड करेगी डॉर्सम ऑफ फुट पे। इसके बाद में क्या ये एंड करती है, एंड कहां करेगी, एंड इनटू डॉर्सम ऑफ फुट, डॉर्सम ऑफ फुट में क्या करती है, एंड करती है, और यहां पे एंड करते ही यहां पे ये एंड करेगी और डिवाइड हो जाएगी, दो ब्रांच देगी, एक लेटरल ब्रांच देगी, एक मीडियल ब्रांच देगी, एक लेटरल ब्रांच देगी और एक देगी मीडियल ब्रांच, ठीक है। लेटरल और मीडियल क्या दे दी इसने, ब्रांच दे दी। अब लेटरल ब्रांच की बात करें हम, लेटरल ब्रांच किसे सप्लाई कर रही है, ये सप्लाई करती है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और टार्सल जॉइंट को, ये सप्लाई करती है, सप्लाई करेगी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड टार्सल जॉइंट, एंड टार्सल जॉइंट को, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और टार्सल जॉइंट को सप्लाई करती है कौन, लेटरल ब्रांच। इसके बाद बात करें मीडियल ब्रांच की, मीडियल ब्रांच सप्लाई करेगी स्किन एडजॉइनिंग फर्स्ट इंटर डिजिटल क्लैप, फर्स्ट जो इंटर डिजिटल क्लैप है उससे जो स्किन एडजॉइनिंग है उसे सप्लाई करेगी, सप्लाई किसे कर रही है, सप्लाई कर रही है स्किन एडजॉइनिंग, स्किन एडजॉइनिंग फर्स्ट इंटर डिजिटल स्पेस, इंटर डिजिटल या तो क्लेफ्ट बोल दो या स्पेस बोल दो, फर्स्ट इंटर डिजिटल क्लेफ्ट, ठीक है, फर्स्ट इंटर डिजिटल क्लेफ्ट से जो स्किन क्या है, फर्स्ट इंटर डिजिटल क्लेफ्ट से एडजॉइनिंग स्किन को क्या करती है, सप्लाई करती है कौन, डीप पेरोनियल नर्व, ये समझ आया। अब इसकी ब्रांचेज की बात कर लेते हैं, इसकी ब्रांचेज देखते हैं, ब्रांचेज ऐसी देखें इसकी, नंबर एक है सबसे पहले ब्रांच, इसकी ब्रांच जो होगी सप्लाई करेगी किसको, किसको सप्लाई करेगी, मस्कुलर ब्रांच, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो पांच मसल है उसे सप्लाई करती है, मस्कुलर ब्रांच ये किसे सप्लाई करेगी, ये करेगी टीबियल इस एंटीरियर, एक तो करेगी टीबियल इस किसको करेगी, टीबियल इस एंटीरियर को करेगी, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, और किसे करेगी, एक और एक मसल रहेगी पेरोनियस टर्सियस, शॉर्ट में लिखे हैं सारे नाम, इनको सप्लाई करेगी टीबियल इस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और पेरोनियस टर्सियस, इसकी मस्कुलर ब्रांच क्या करती है, सप्लाई करती है। इसके बाद क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है एडजेसेंट साइड ऑफ फर्स्ट एवं सेकेंड टॉप, क्यूटेनियस ब्रांच की अभी बात करें, ये सप्लाई करती है किसको, ये सप्लाई करेगी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ क्या, फर्स्ट और सेकेंड जो टॉय है उसकी एडजेसेंट साइड को, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टॉय,
की एडजेसेंट साइड की जो स्किन है उसे क्या कर दी इसने, सप्लाई कर दी। अब आर्टिकुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच सप्लाई करती है एंकल जॉइंट को, आर्टिकुलर ब्रांच ये किसे सप्लाई करेगी, ये मेनली तो करती है एंकल जॉइंट को, एंकल जॉइंट को इसे करेगी, इसके अलावा किसे करेगी, इसके अलावा ये करेगी किसको, ये करती है टार्सल जॉइंट को, टार्सल मेटाटार्सल जॉइंट को, मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट को, एक तो करेगी एंकल जॉइंट को, ये हो गए, एक करती है टार्सल जॉइंट को, टार्सल जॉइंट ठीक है, एक है टार्सल मेटाटार्सल जॉइंट, एक है टार्सल टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, मेटाटार्सल जॉइंट ठीक है, और इस जॉइंट और है मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट, मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट, फेलेंजियल जॉइंट ठीक है, ये चार जॉइंट है, एंकल जॉइंट, टार्सल जॉइंट, ये क्या टार्सल जॉइंट, टार्सो टार्सो मेटा टार्सल जॉइंट और मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट को सप्लाई करती है, ये हो गए तुम्हारे डीप पेरोनियल नर्व। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल से, क्लिनिकल देखते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व, डीप का भी देखेंगे सुपरफिशियल का भी, ये आगे समझ में, अब देखते हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल की अभी बात करें, सबसे पहले हम देख रहे हैं फुट ड्रॉप, एक क्लिनिकल है फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप क्या होता है, ये इंजरी होती है डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी, मेनली डीप पेरोनियल नर्व की क्या होती है इंजरी होती है, इसमें पैरालिसिस हो जाता है मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है वो क्या हो जाएंगी, पैरालिसिस हो जाएंगी ठीक है, तो क्या होगा, ये होता किस कारण से पैरालिसिस क्यों हो जाती है, क्योंकि इंजरी हो जाती है डीप पेरोनियल नर्व की, अब ये इससे क्या होगा, इससे हमारे लॉस होगा, लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन की जो पावर है ना फुट की, उसका लॉस हो जाता है, इससे क्या होगा, जो हमारा फुट है वो क्या डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, अब उससे क्या होगा, फुट क्या प्लांटर फ्लेक्स हो जाएगा, और प्लांटर फ्लेक्स वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, फुट ड्रॉप कहा जाता है, समझ गए, इसका कारण यदि देखें इंजरी ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, उसमें भी डीप पेरोनियल नर्व ड्यू टू ट्रॉमा न्यूराइटिस, और ये क्या हो सकता है लेप्रोसी ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है, लेप्रोसी हो सकता है, न्यूराइटिस हो सकता है, फुट ड्रॉप याद रखना है, हमने क्या कहा फुट ड्रॉप में क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, एंटीरियर जो कंपार्टमेंट है लेग का, लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पैरालिसिस ऑफ मसल्स, पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल का क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंजरी ऑफ डीप पेरोनियल नर्व, ड्यू टू इंजरी ऑफ डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी के कारण ठीक है, यह आया, हमने क्या कहा कि इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट देखो, इससे रिजल्ट यह आएगा कि लॉस ऑफ पावर ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, इससे क्या होगा, लॉस ऑफ पावर ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, फुट की जो डॉर्सिफ्लेक्शन की जो पावर है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पाएगा, इससे क्या होगा फुट क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्स हो गया, और इसी कंडीशन को, दिस कंडीशन कॉल्ड फुट ड्रॉप,
इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, फुट ड्रॉप बोलते हैं। अब इसका कॉज देख लो, कॉज क्या हो सकता है, कॉज की यदि बात करें ये हो सकता है इंजरी ऑफ, इंजरी हो जाएगी, इंजरी ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व में भी कौन, डीप पेरोनियल नर्व मेनली, कॉमन पेरोनियल नर्व इसमें भी डीप पेरोनियल नर्व, किसके कारण, ड्यू टू ट्रॉमा के कारण, लेप्रोसी के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूराइटिस के कारण, इसके कारण हो सकता है। ये सारी बात हो गई फुट ड्रॉप की। हमने क्या कहा, मसल पैरालिसिस हो जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेग की, जिससे इंजरी ड्यू टू इंजरी ऑफ डीप पेरोनियल नर्व, इससे क्या होगा, प्लांट डॉर्सिफ्लेक्शन की पावर का लॉस हो जाएगा, प्लांट रिफ्लेक्स हो जाएगा फुट, इसे बोलते हैं फुट ड्रॉप। इसका कॉज क्या था, ड्यू टू ट्रॉमा, लेप्रोसी और न्यूराइटिस किसकी, इसके कारण क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी डीप पेरोनियल नर्व की। अब एक चीज और देख लो, एक चीज हम बोल रहे हैं कि पैरालिसिस हो जाती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की, तो क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा इवर्जन ऑफ फुट ऑफ सब टेलर जॉइंट से। एक दूसरा और लिख देता हूं मैं यहीं पे, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की क्या हो गई, इंजरी हो गई, ठीक है, पैरालिसिस हो गई, सुपरफिशियल पेरोनियल जो नर्व है वो क्या हो गई, पैरालिसिस इसकी हो गई, तो क्या होगा, इससे लॉस ऑफ इवर्जन ऑफ फुट, इससे क्या होगा, इससे लॉस ऑफ इवर्जन, इससे क्या होगा, इवर्जन, इस स्पेलिंग गलत है, लॉस ऑफ इवर्जन ऑफ फुट, फुट के अंदर इवर्जन उसका लॉस हो जाएगा, कहां पे होगा, एट सब टेलर जॉइंट, सब टेलर जॉइंट, ठीक है, ये है लॉस ऑफ इवर्जन ऑफ फुट एट सब टेलर जॉइंट, ये इसका हो गया क्लिनिकल कॉमन पेरोनियल नर्व का। इसी तरह एक टॉपिक फिनिश होता है, हमने इसकी क्या क्या पढ़ी, कॉमन बेसिक चीजें पढ़ी, इसकी ब्रांचेस पढ़ी, डीप और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व इसके दो डिवीजन थे, फिर वो कहां कहां सप्लाई कर रहे थे, उनकी क्या ओरिजिन थी, क्या कोर्स था, क्या कहां कहां वो सप्लाई कर रहे थे, कौन कौन सी मसल को, ये सब क्या डायग्राम से हमने पढ़ा, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।